हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन। ब्रेन एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हमारा ब्रेन एक्ट करता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह, ठीक है। इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, बैलेंस होता है हमारी बॉडी का, वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी भी हमारी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की गई होती हैं, ठीक है। वॉलंटरी वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, इनवॉलंटरी वो मूवमेंट होते हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते। हाथ को हिलाना, पैरों को हिलाना, ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, हम जब चाहे जैसे चाहे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा हार्ट की रिदम होती है, ब्रीथ रिदम होती है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वो इनवॉलंटरी होती है, हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसे इन्हें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है इट ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन सच एज लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, ठीक है। वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी, ठीक है, दोनों मूवमेंट्स ही हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, हमारी भूख, हमारी प्यास, थ्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं या एंडोक्राइन की ग्लैंड की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की गई होती है। एंडोक्राइन कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि पिट्यूटरी हो गई, एड्रीनल ग्लैंड हो गई, ओवरी, टेस्टिस हो गए, ठीक है, थायरॉयड हो गई, थायमस हो गई, ये सारी ग्लैंड्स जो हैं ये सारी कंट्रोल में होती है हमारे ब्रेन के, ठीक है। कार्डियक रिदम, हमारे दिल का धड़कना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी कंट्रोल करती है। ह्यूमन बिहेवियर भी हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया गया होता है, ठीक है। इसके बाद है ब्रेन इज ऑल्सो द साइट ऑफ इमोशन। हमारी इमोशंस की साइट भी ब्रेन कहलाती है। हमारी बिहेवियर, थॉट, स्पीच, इंटेलिजेंस, हियरिंग, मेमोरी, ये इन सब की साइट होती है हमारा ब्रेन, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन इज मेनली प्रोटेक्टेड बाय स्कल, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है वो स्कल होती है हमारी ब्रेन को कंट्रोल करने वाली, ठीक है। इसके बाद है इसकी तीन लेयर्स होती हैं। पहला है डूरा मैटर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड है आर्केनॉइड, ये मिडिल लेयर होती है। पिया मैटर इनर मोस्ट लेयर होती है। तीन लेयर होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों लेयर्स का नाम। इसके बाद ब्रेन को हम थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है फोरब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, फिर है हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसके बाद है फोरब्रेन के पार्ट्स। फोरब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद है मिड ब्रेन को मिड ब्रेन के अंदर फोर लोब्स पाए जाते हैं, इसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना कहते हैं। हाइंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं पोन्स, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरेबेलम, ठीक है। सेरेब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। सेरेब्रम है वो पार्ट है जो ब्रेन का जो ब्रेन को सबसे ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये सारा सेरेब्रम है, ठीक है। इसके बाद है अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड सेरेब्रम इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ब्रेन को आपने देखा होगा ऐसे वाला डायग्राम, ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक लेफ्ट एक राइट पार्ट के अंदर। इसे एक डीप क्लेफ्ट टू पार्ट्स, टू हाफ्स के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है वो उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इसके बाद है जो टू पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, जैसे एक ये, इनको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इसे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, एक को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, एक को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, और इनको कनेक्ट करने वाले को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। इसके बाद है अब इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर को राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो लेयर, जिसकी जो लेयर होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं, ठीक है, इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो लेयर होगी उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रेइश कलर की होती है, ग्रेइश कलर की होती है, क्योंकि वहाँ पर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती है वो कंसंट्रेटेड होती है। फिर की जो लेयर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसे थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है सेंसरी, सेकंड है मोटर, थर्ड है एसोसिएटेड एरिया, एसोसिएशन एरिया, जो कि ना तो सेंसरी होती है ना मोटर होती है, ठीक है। इसके बाद है ये तो था आउटर बता रखा था, आउटर स्ट्रक्चर बताया था कि बाहर से कह सकते हैं बाहर की कौन सी लेयर होती है, ठीक है, कौन कौन सी रीजन होते हैं। अब इसके इनर पार्ट की बात कर रहे हैं। इनर पार्ट का है द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज वाइट इन कलर, ठीक है, वाइट कलर की होती है, क्योंकि जितनी भी फाइबर्स होती हैं स्ट्रक्ट के अंदर माइलिन शीथ के द्वारा कवर की गई होती हैं, ठीक है, जिसके कारण वह वाइट अपीरेंस देती है हमारे ब्रेन को, इसीलिए जो अंदर का पार्ट है वो वाइट कलर का दिखता है। इसके बाद है थैलेमस। थैलेमस जो है वो पेयर्ड ग्रे मास होता है। थैलेमस जो है वो पेयर्ड ग्रे मास होता है, मास कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है रेगुलेटिंग द स्लीप एंड वेकफुलनेस,
क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है रेगुलेट करना स्लीप एंड वेकफुलनेस को। ठीक है, हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है वो थैलेमस के द्वारा ही रेगुलेट की गई होती है। ठीक है, ऑल्सो रेगुलेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस, हमारे सचेत होने की या जागरूक होने की जो एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जो लेवल है वो भी रेगुलेट करेगा हमारा थैलेमस। ठीक है, थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल सेंसेशन लैंग्वेज एंड अलर्टनेस। ठीक है, सेक्सुअल सेंसेशन लैंग्वेज और अलर्टनेस के लिए भी हमारा थैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जस्ट थैलेमस के बिलो प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं मिड ब्रेन और थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये है हमारा ब्रेन, ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये वाला, ये होगा सेरेब्रम। ठीक है, यहाँ मिड का जो पार्ट होगा ये होगा थैलेमस के द्वारा कवर किया गया। ये जो पार्ट है ये है हमारा हाइंड ब्रेन। ये जो पार्ट है इसको हम देते हैं मिड ब्रेन को। ठीक है, जो ये बीच का पार्ट होगा ये वाला, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस का पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट मी चेंज द कलर। ये जो ब्लैक का पोर्शन है वो है सेरेब्रम का, जो ग्रीन का पोर्शन है वो है थैलेमस का, जो पर्पल है वो है हाइपोथैलेमस का पोर्शन। ठीक है, जो येलो है वो है हाइंड ब्रेन का पोर्शन। ठीक है, और जो ब्लू है ये है मिड ब्रेन का पोर्शन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि हमारे हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। ये हमारे थैलेमस है, इसके जस्ट बिलो में हमारी हाइपोथैलेमस। ये देखिए, ग्रीन के जस्ट बिलो है हाइंड ब्रेन, ग्रीन के जस्ट बिलो है पर्पल कलर, ये तो हमारी हाइपोथैलेमस है। इट्स मेन फंक्शन इज थर्मो रेगुलेशन। इसका मेन फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेशन का। हमेशा याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेशन का। ठीक है, इसका ये एक और हॉर्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, इमोशंस के लिए, हैप्पी, एंग्री एक्सेट्रा, एग्रेसिवनेस शो करना। ठीक है, ये सारा। इसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है वो हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस एंड हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ मेनली फोर राउंड स्वेलिंग्स। ठीक है, फोर स्वेलिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना कहते हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए और हियरिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद है ये देखिए, ये हमारा सेरेब्रम। ठीक है, इसके बाद ये कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना है। ठीक है, ये चार लोब्स होते हैं। जो कि विजन और हेयरिंग के लिए हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, इसके बाद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन सबसे नीचे का पार्ट। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरेब्रम एंड मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, तो पोन्स है, पोन्स आर कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट। इसके अंदर पोन्स जो कंसिस्ट करते हैं फाइबर ट्रैक्ट को, जो कि इंटरकनेक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन से। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रैपिड आई मूवमेंट, ब्रीथिंग रिदम के लिए। ठीक है, पोन्स है, पोन्स के बाद आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, एज यू कैन सी है। ये देखिए, ये हमारा सेरेब्रम है और ये सॉरी, ये हमारा सेरेब्रम है, ये हमारा सेरेब्रम है, तो इसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, एंड हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। बात है लास्ट पार्ट, मेडुला ओब्लंगेटा। इट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर विच मेक अप ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम को बनाता है ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज ये इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे कि बीपी, हार्ट रेट, ब्रीथिंग को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ओब्लंगेटा इज कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है ताकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, जिसके अंदर से क्या करना है, बीपिंग और ब्रीथिंग की रेटिंग को मेंटेन करना होता है। ठीक है, ब्रेन का इंट्रो, ब्रेन की लेयर्स, ब्रेन के रीजन्स, ब्रेन के फंक्शंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।